अलवर दिल्ली मार्ग पर स्थित लिटिल फ्लावर उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में 66वीं जिला स्तरीय थ्री बॉल चार दिवसीय प्रतियोगिता शुभारंभ मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान ने किया। विद्यालय के डायरेक्टर प्रदीप बख्शी के द्वारा मुख्य अतिथि साफिया जुबेर खान को शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में तहसीलदार रामगढ़ धीरेन्द्र कदम, जसवंत सिंह, हेमलता सहित रामगढ़ युवक कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष शौकत खान, युवा नेता इमरान खान सहित अनेक अतिथि मौजूद थे। लिटिल फ्लावर स्कूल के डायरेक्टर प्रदीप बख्शी ने बताया कि फ्लावर स्कूल की सभी टॉपर छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि साफिया जुबेर खान के द्वारा स्मृति चिन्ह में प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कराया गया। जिला स्तरीय इस प्रतियोगिता में करीब 24 टीमों ने भाग लिया है, जिनके रहन सहन की खान पान की सारी व्यवस्था विद्यालय परिवार की ओर से की गई है तथा सभी विद्यालय से आई टीमों के खिलाड़ियों को जर्सी ट्रैक सूट की भी व्यवस्था विद्यालय की ओर से की गई है। कार्यक्रम में विद्यालय के संजय शर्मा, सपना बख्शी, समय दीन खान, ताहिर खान आदि लोग मौजूद थे। लिटिल फ्लावर स्कूल में जिला स्तरीय थ्रोबॉल का आयोजन किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो ग्रामीण ओलंपिक कराए गए थे उसके तहत इन सबका आयोजन हो रहा है और काफी सारी टीम आई हुई है और स्कूल के द्वारा इनको स्टूडेंट्स को बॉयज को जर्सी दी गई है, गर्ल्स स्टूडेंट्स को जर्सी है, बॉयज़ को टी शर्ट है, कोचेस को ट्रैक पैंट दी है ताकि थोड़ा मोटिवेशन हो। प्लस बहुत अच्छा सारा सिस्टम बनाया है यहाँ पर। मुझे लगता है अगले साल से जब होएंगे और अच्छे स्केल पे हो पाएंगे और अधिक बच्चे इन खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि कोरोना में बच्चों को आदत पड़ गई थी घर में रहने की। लेकिन इस बार जो शुरुआत हुई है अब इसकी तैयारी पूरे साल करेंगे तो और अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आएगा, क्योंकि राजस्थान में जो बच्चे नेशनल खेलते हैं उनको सरकारी नौकरी भी मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हमारे राजस्थान से प्रतिभाएं निकलें और एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में अवार्ड्स राजस्थान में आए तो राजस्थान का नाम भी